हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हम एक पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू मिनिमम वेज इन द यूके, जो पर आर यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको मिलती है। तो बिफोर आई टेल यू द न्यूज़, थोड़ा आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज होती है वर्कर्स की, वो किस हिसाब से होती है। तो यूके में मिनिमम वेज एज के हिसाब से डिवाइडेड होती है। जो 18 से 20 साल के लोग होते हैं वो अप टू 7.49 पाउंड्स उनको मिनिमम वेज मिल सकती है पर आर। जो लोग 21 से 22 साल के होते हैं उनको मिल सकती है 10.18 पाउंड्स पर आर की मिनिमम वेज। और अगर हम बात करें 23 प्लस की, वो एलिजिबल होते हैं नेशनल लिविंग वेज के लिए, NLW। और नेशनल लिविंग एज के लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं, माने कि जो लोग 23 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, उनकी मिनिमम वेज अब बढ़ा दी गई है। सो करेंटली जो मिनिमम वेज होती थी NLW कैटेगरी की, वो 10.42 पाउंड्स होती थी, और अब उसको बढ़ा के कर दिया है 11 पाउंड्स, जो कि 5.7% की इंक्रीज़ है। अब अगर हम बात करें इस इंक्रीज़ को एंड इन्फ्लेशन रेट को कंपेयर करें, तो देखो इन्फ्लेशन रेट अभी यूके में चल रहा है 6.7%, और ये जो इंक्रीज़ हुई है ये हुई है 5.7%। मतलब अभी भी जितने रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरीज उतनी मिनिमम वेज वाली नहीं बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी ये आपको एक राहत देगा, और इससे आपकी थोड़ी परचेजिंग पावर अगर बढ़े भी ना, तो कम से कम सेविंग्स थोड़ी बढ़ेंगी अगर रेट सेम रहता उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये जो नया रेट है ये एप्लीकेबल होगा अप्रैल 2024 नेक्स्ट ईयर से। मतलब अभी ये इन्होंने लॉ पास कर दिया है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है अभी। इसको इफ़ेक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इस इंक्रीज़ के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 1100 पाउंड्स का फ़ायदा होगा। बिकॉज अगर आप डिफरेंस देखो, जो आपकी एनुअल इनकम आपको मिलती है 10.42 पाउंड्स पे वर्सेस मिनिमम 11 पाउंड्स पे, तो उस पर अप्रॉक्सीमेटली 1100 पाउंड्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बेस्ड ऑन द न्यू रेट। सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। इट्स नॉट द बेस्ट न्यूज़ कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन रेट इज स्टिल हायर दैन द इंक्रीज इन द मिनिमम वेज फॉर 23 ईयर्स अबव इंडिविजुअल्स, बट फिर भी यही छोटी सी आपके लिए अपडेट मेरे को लेके आनी थी। तो जो भी लोग यहाँ पे जनवरी इनटेक में आ रहे हैं अगले साल, या फिर जो सितंबर इनटेक में आएंगे अगले साल, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आके जॉब ढूंढेंगे तो उनको थोड़ी बढ़ी हुई वेज मिलेगी। बट जो अभी लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने के अराउंड आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा, जब तक आपकी सैलरी बढ़ती नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इट वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो आई नो, बट आई थॉट कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको यूके की ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स अपने होम फीड पर चाहिए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।